वेल गाइज, आज इवनिंग को हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, ठीक है। तब मेरी मैडम ने उनको खाने के लिए कुछ दिया, लेकिन उन लोग खाने में कुछ शर्मा रहे थे। तब मेरी डॉटर ने कहा कि नेवर फील साई टू ईट अंकल, ठीक है। तब मैंने आराध्य को कहा, बेटा नेवर फील साई टू ईट मीन्स क्या होता है? तब उसने कहा, पापा नेवर फील साई टू ईट का मतलब होता है खाने में क्या शर्माना। तब मैंने बोला, वाह बेटा, यानी कि पढ़ने में क्या शर्माना का इंग्लिश भी होगा, नेवर फील साइ टू रीड। तो बोला, यस पापा, नेवर फील साइ टू रीड ही होगा। ठीक है आराध्या, बेटा बताओ ना बेटा कि खाने में क्या शर्माना का इंग्लिश क्या होता है? नेवर फील साइ टू ईट। पढ़ने में क्या शर्माना? नेवर फील साइ टू रीड। वेरी गुड। इसी प्रकार नाचने में क्या शर्माना? नेवर फील साइ टू डांस। वेल गाइज, इसी प्रकार आपको न्यू कुछ नॉलेजेबल स्पोकन बेस्ड वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी थैंक यू। बेटा आराध्या, पढ़ाई कर रहे हो क्या? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? डोंट बी फॉर्मल पापा। ओह माय गॉड, आई लव यू बेटा, आई लव यू, टचूड यू बेटा, टचूड यू। यस गाइज, अगर ऑलरेडी कोई काम कर रहा हो और बीच में आप बोलना चाहते हो और बोलते हो कि क्या मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ, तो उधर से वो रिप्लाई दे सकता है डोंट बी फॉर्मल। डोंट बी फॉर्मल मीन्स होता है कष्ट करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ अगर आप उनको बोलना चाहते हो कि तुम्हें किसी की नजर न लगे, इसका इंग्लिश होता है टच वुड यू। हाँ आराध्या, बताओ तो बेटा कि कष्ट करने की जरूरत नहीं का इंग्लिश क्या होता है? डोंट बी फॉर्मल। यस, और तुम्हें किसी की नजर न लगे, टच वुड यू। यस गाइज, कष्ट करने की जरूरत नहीं का इंग्लिश होता है डोंट बी फॉर्मल, और तुम्हें किसी की नजर न लगे, टच वुड यू। अगर आपको हमारा यह शॉर्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। पापा, आई एम नॉट एबल टू ईट। व्हाई बेटा? बिकॉज माय टूथ इज पेनिंग। ओएमजी, योर टूथ इज पेनिंग, सो यू आर नॉट एबल टू ईट। यस गाइज, अगर आप बोलना चाहते हो कि मुझसे खाया नहीं जाता, तो इसका इंग्लिश होगा आई एम नॉट एबल टू ईट। इसी प्रकार आराध्या, बताओ तो कि भैया से पढ़ा नहीं जाता तो क्या होगा? भैया इज नॉट एबल टू रीड। यस, मम्मी से लिखा नहीं जाता, मम्मी इज नॉट एबल टू राइट। यस गाइज, इसी प्रकार अगर आप बोलना चाहते हो कि उससे दौड़ा नहीं जाता, तो इसका इंग्लिश होगा ही इज नॉट एबल टू रन। अगर रहेगा कि सीता से बैठा नहीं जाता, तो सीता इज नॉट एबल टू सिट। यस, पापा से सोया नहीं जाता, पापा इज नॉट एबल टू स्लीप। यस गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।